यहाँ पे गलती पकड़ लिया मैंने कि जंक्शन के स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं। दोस्तों मेन एंट्रेंस कोर्ट अद्दू जंक्शन रेलवे स्टेशन की सन 1887 में बना था। ज़्यादा सवारी पिंडी की भी है काफ़ी, ये यहाँ पे असल में मजदूर तबका होता है ना काफ़ी सारा, वो जाते हैं। आप बिल्कुल देख रहे होंगे अभी बैठे हैं सारे अपने बैग वगैरह। कोट अद्दू जंक्शन रेलवे स्टेशन पे पानी वगैरह भरने की भी सहूलत मौजूद है, जैसा कि आपको वाटर फिलिंग सिस्टम नज़र आ रहा है। दोस्तों स्टेशन पे एक अदद पेडिस्टल ब्रिज भी मौजूद है प्लेटफॉर्म्स को क्रॉस करने के लिए। मेरे जो लेफ्ट साइड पे आपको लाइन डाइवर्ट नज़र आ रही है, ये मेन लाइन 2 है बेसिकली, तो खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस थी वो इस लाइन पर चला करती थी। यार आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए इधर, आपने मतलब हमारा इलाका कवर किया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज 24 सितंबर 2022 है और सुबह के 8:20 हो रहे हैं और मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोट अद्दू जंक्शन रेलवे स्टेशन के बाहर। तो पिछली वीडियो में आपने ट्रैवल देखा था मुल्तान से कोट अद्दू तक का 127 अब महर एक्सप्रेस का, तो मैंने आपको कहा था कि मैं इंशाल्लाह दिन की रोशनी में आपको ये जंक्शन दिखाऊँगा। तो ये सामने दोस्तों मेन बिल्डिंग नज़र आ रही है, ओल्ड बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के बिल्कुल साथ जो है ये अब रिज़र्वेशन ऑफिस है और सेकंड क्लास वेटिंग हॉल है। कोट अद्दू जंक्शन रेलवे स्टेशन दोस्तों शेर शाह कोट अद्दू ब्रांच लाइन का लास्ट स्टेशन है और यहाँ से यही वो जंक्शन स्टेशन है जहाँ से मेन लाइन 2 अलहदा हो जाती है जो कि कोटरी और जैकबाबाद तक जाती है। तो आपको वो डाइवर्जेंस भी दिखाऊँगा। तो मेन बिल्डिंग के अंदर आ गया हूँ मैं और मेरे लेफ्ट साइड पे स्टेशन मास्टर साहब का दफ्तर है। और कुछ इस तरह की एंट्रेंस है, काफ़ी साफ सुथरी एंट्रेंस है और टाइलें वगैरह लगी हुई हैं। तो इधर से एंटर होके हम सीधा प्लेटफॉर्म पे एंटर हो जाते हैं। तो दोस्तों मैं इस वक्त प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे मौजूद हूँ कोट अद्दू जंक्शन रेलवे स्टेशन के और इस वक्त जो आपको पैसेंजर्स नज़र आ रहे हैं ये 129 अप थल एक्सप्रेस के पैसेंजर्स हैं जो कि तकरीबन आधे घंटे में यहाँ पहुँचेगी, ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो आपको दरख्त नज़र आ रहा है छोटा सा और इसके बिल्कुल पीछे ये इसके बारे में मालूमात लिखी हुई है और बड़ी गलत जगह पे दरख्त लगाया हुआ है, तो यहाँ पर हम देख नहीं सकते। तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जो वो सामने आपको नज़र आ रहा है इस तरह का बोर्ड, वहाँ चल के आपको मैं दिखाऊंगा। तो दोस्तों काफ़ी साफ़ सुथरा प्लेटफॉर्म है और सामने आप देख सकते हैं कि सफाई भी हो रही है प्लेटफॉर्म की। दोस्तों इस वक्त मैं आपको लेकर जा रहा हूँ डाउन साइड एंड पे और ये सामने आपको कोट अद्दू जंक्शन रेलवे स्टेशन का जो साइन बोर्ड है वो नज़र आ गया। सुबह सुबह का वक्त है, लोग अपने कामों की तरफ रवा दवा है, सुकून है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों जो ये वाला ट्रैक आप देख रहे हैं ये कोट अद्दू जंक्शन रेलवे स्टेशन की जो अप लूप लाइन है वो है और जो दरमियान वाली लाइन है जिस पे बकरी इस वक्त खड़ी है वो मेन लाइन है यानी के शेर शाह कोट अद्दू ब्रांच लाइन और जो उस तरफ देख रहे हैं वो भी एक लूप लाइन है और प्लेटफॉर्म के दूसरी तरफ भी एक साइडिंग लाइन है। तो कोट अद्दू जंक्शन रेलवे स्टेशन पे कुल मिला के
चार प्लेटफॉर्म्स हैं, ये आप देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे गलती पकड़ ली है मैंने कि जंक्शन के स्पेलिंग गलत लिखी हुई हैं, जूनोशन लिखा हुआ है, कोटद्दू जूनोशन, ये आप देख लें। इस वक्त दोस्तों मैं आ गया हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, और ये भी काफ़ी साफ सुथरा प्लेटफॉर्म है, न्यूली रीबिल्ट प्लेटफॉर्म है, टफ टाइल्स लगी हुई हैं जैसा मैंने गुरमानी रेलवे स्टेशन पे दिखाया था आपको, इस ब्रांच लाइन के। और ये साइन बोर्ड आ गया कोटद्दू जंक्शन का, और इधर स्पेलिंग ठीक लिखे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। तो ये आप दरख्त देख रहे हैं, काफ़ी पुराना और बड़ा दरख्त है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, और काफ़ी अच्छी प्लांटेशन भी हुई हुई है यहाँ पे। ये पानी का नलका भी लगा हुआ है एक, और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी प्लांटेशन हुई हुई है, खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह। दोस्तों जो आपको प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे एक ये साइडिंग लाइन या लूप लाइन भी कह लें इसको, नज़र आ रही है, कुछ ये हालात हैं, ग्रास वगैरह उगी हुई है यहाँ पे, और आगे जाके बिल्कुल इसकी विजिबिलिटी ज़ीरो ही पड़ी है लूप लाइन की। तो इसका मतलब ये है कि ये यूज़ नहीं होती, काफ़ी बुरा हाल है इस लूप लाइन का या साइडिंग लाइन कह लें। और जो बाकी वो दोनों हैं तो वो अभी भी यूज़ में है। तो ये दोस्तों आपको मैं दिखा दूं कोटद्दू जंक्शन रेलवे स्टेशन की इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों ये वो शहर हैं जहां से आप कोटद्दू जंक्शन रेलवे स्टेशन से गाड़ी बदल सकते हैं, कि जिनमें डेरा गाजी खान, राजनपुर, मिठन कोट, रोजान, कंदकोट, कश्मोर और जैकबाबाद के लिए गाड़ियां चलती हैं। और जहां से जो ये डाइवर्जेंस है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ आगे चल के। तो कोटद्दू जंक्शन रेलवे स्टेशन पे पानी वगैरह भरने की भी सहूलत मौजूद है, जैसा कि आपको वाटर फिलिंग सिस्टम नज़र आ रहा है, लेकिन ये सिर्फ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर नहीं है, ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे एक शेड भी मौजूद है कोटद्दू जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, यह आप देख सकते हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर भी है और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर भी है। तो दोस्तों अब मैं आपको मिलवाता हूँ अपने दोस्त से जिसके पास हम कोटद्दू आए हैं। अस्सलाम वालेकुम अवैस भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है फिरोज भाई? ठीक शुक्र अल्लाह का। ये अवैस भाई हैं, मेरे क्लास फेलो हैं, मेरे दोस्त हैं, तो कोटद्दू से इनका ताल्लुक़ है, तो आज इनके पास आए हैं हम। तो भाईजान बड़ा प्यारा स्टेशन है आपका। थैंक यू सो मच भाईजान। आपने ट्रेन पर सफ़र कितना किया ये बताएं? मैंने काफ़ी बहुत सफ़र किया है, तकरीबन कोई 30-40 दफ़ा तो किया ही होगा। तो कहाँ जाते हैं मैक्सिमम? मैक्सिमम पहले तो चलती थी खुशहाल खान खट्टक एक्सप्रेस। हाँ जी, पेशावर जाते थे। अच्छा, हम बेसिकली हैं वहाँ से, पेशावर से। सही, बाकी आजकल तो वो बंद है, और बाकी ये हमारी जो चलती है महर एक्सप्रेस, इस पर ज़्यादातर सफ़र करता हूँ मैं। और दिल्ली के लिए सही सफ़र लगता है आपको? हाँ बेस्ट है, एसी स्टैंडर्ड तो बेस्ट है। अच्छा, आपके लिहाज से अगर मैं पूछूँ तो ये जो लाइन है डेरा गाजी खान की तरफ जा रही है, इस पर कोई ट्रेन बहाल होनी चाहिए? ज़रूरत है यहाँ पे? बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि बड़े पैसेंजर हैं यहाँ पे, आवाम है काफ़ी जो जाना जाती है, मतलब ये इलाका भी इतना पसमंदा इलाका है। तो ज़्यादा सवारी कहाँ की होती है यहाँ, पिंडी की? ज़्यादा सवारी पिंडी की भी है काफ़ी, ये यहाँ पे असल में मजदूर तबका होता है ना काफ़ी सारा, वो जाते हैं। आप बिल्कुल देख रहे होंगे, आप भी बैठे हैं सारे अपने बैग वगैरह ले कर। जी ऐसे ही है भाई। चलें वैस भाई, बहुत शुक्रिया यार। थैंक यू सो मच। और ये शहजाद भाई हैं जो जिनके साथ हमने ट्रैवल किया था, और ये उसामा भाई, इनके साथ भी हमने ट्रैवल किया था प्रीवियस वीडियो में। तो दोस्तों ये वाली जो आप साइड सामने देख रहे हैं, ये सीधा जा रही है सनावा, महमूद कोट, मुजफ्फरगढ़, शेरशाह और मुल्तान के लिए। तो यानी कि ये है डाउन साइड कोटद्दू जंक्शन रेलवे स्टेशन की। और दोस्तों जो ये वाली साइड है, ये सीधा जा रही है दायरा दीन पना, एहसानपुर, लैया, भक्कर और आगे मियाँ वाली, कुंदियाँ, जंड और रावलपिंडी के लिए।
और जो इधर से डाइवर्जेंस होती है यानी कि मेरे लेफ्ट साइड पे डाइवर्जेंस होती है वो जाती है आगे सीधा कोट मिठन शरीफ, डेरा गाजी खान, जामपुर, फाजिलपुर, रुझान वगैरह, और सीधा निकलती है जाके जैकबाबाद और आगे कोटरी के लिए। तो वो डाइवर्जेंस भी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी दोस्तों पैसेंजर्स आ रहे हैं थल एक्सप्रेस के, और थल एक्सप्रेस की बेल भी हो चुकी है, तो अभी आपको एक्शन दिखाते हैं इकलौती ट्रेन थल एक्सप्रेस का सुबह की, और बाकी मजीद बात आपसे बाद में करते हैं। दोस्तों पैसेंजर्स आ गए हैं 129 अब थल एक्सप्रेस के, अभी देखते हैं कि कब आती है क्योंकि लाइव ट्रैकिंग पे शो नहीं हो रही। दोस्तों सुबह के 9:15 हो रहे हैं और 129 अब थल एक्सप्रेस अप्रोच बना रही है कोटद्दू जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। 15 मिनट लेट है और दूर से लग रहा है HP20 लीड पे है, और अभी दोस्तों मेन लाइन से लूप लाइन पे डाइवर्ट होगी प्लेटफॉर्म 1 की तरफ। HP20 है लीड पे। और मुसाफिरों का रश देख सकते हैं आप थल एक्सप्रेस के लिए कोटद्दू जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। तो 127 अब महर एक्सप्रेस जैसी रेक कंपोजिशन है कि जिसमें शुरू में एसी स्टैंडर्ड के कोच हैं और पीछे इकोनॉमी क्लास के हैं, लेकिन सिर्फ एक एसी स्टैंडर्ड का कोच होता है 129 अब थल एक्सप्रेस में। आगे चलते हैं, होप्स हो गए 10 मिनट का स्टॉप है इसका यहाँ पे, लेकिन देखें अब। तो दोस्तों थल एक्सप्रेस के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि मुल्तान से चल के ये महर एक्सप्रेस का ही रूट इख्तियार करती है, लेकिन जंड जंक्शन से महर एक्सप्रेस गोलड़ा शरीफ की तरफ डाइवर्ट हो जाती है, और ये सेवन सिस्टर टनल से होती हुई सीधा निकलती है जाके अटक सिटी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, और उसके बाद फिर मेन लाइन 1 से मिलकर रावलपिंडी तक जाती है। दोस्तों सिग्नल डाउन हो चुका है, अभी डिपार्चर हॉर्न होगा, इसका मतलब 10 मिनट स्टॉप नहीं है इसका। HP20 दिखा देता हूँ आपको आगे चल के। पे मैं आपको लेके आया था महर एक्सप्रेस के साथ, और ये 8056 है उसी का भाई।
तो ये चलेगी दोस्तों 129 अप थल एक्सप्रेस रावलपिंडी के लिए। तो दोस्तों इस वक्त मैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ले आया हूँ आपको, और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे भी काफ़ी अच्छी प्लांटेशन हुई हुई है, और बैठने की जो सहूलत है वो सिर्फ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे है, 2 पे इतनी ज़्यादा नहीं है, वो ना होने के बराबर है, ये आप देख सकते हैं। दोस्तों स्टेशन पे एक अदद पेडिस्टल ब्रिज भी मौजूद है प्लेटफॉर्म्स को क्रॉस करने के लिए, और वो सामने शहजाद भाई हमारी वीडियो बना रहे हैं, थैंक यू ब्रो। और ये सामने स्टेशन की मेन बिल्डिंग, और आप देख सकते हैं कि ट्रेन जाने के बाद सुनसान हो गया स्टेशन, अब शाम को 6:30 बजे आएगी 127 अप मेहर एक्सप्रेस। दोस्तों ये आप देख सकते हैं वो इंतज़ार का दर्जा अव्वल, और स्टेशन पे एक अदद मस्जिद भी मौजूद है, और काफ़ी बड़ी मस्जिद है, ये आप देख सकते हैं। एक ये रास्ता भी है दोस्तों स्टेशन से बाहर निकलने का, मेन एंट्रेंस के अलावा ये रास्ता भी है। फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे हुए हैं, और यहाँ पे भी एक अदद दरख्त मौजूद है। दोस्तों कूलर लगा हुआ है यहाँ पे, और एकदम ठंडा पानी आ रहा है, तो पानी पीने की भी सहूलत मौजूद है कोटद्दू जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और दोस्तों ये जो रेलवे ऑफिशल्स के रूम्स हैं जो के रिवायती हर स्टेशन के ऊपर होते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये मेन बिल्डिंग वाला जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे मैं आपको ले आया हूँ। ये दोस्तों मेन एंट्रेंस कोटद्दू जंक्शन रेलवे स्टेशन की सन 1887 में बना था ये, और यहाँ से हम इंटर और एग्जिट होते हैं। दोस्तों यहाँ पे कैंटीन मौजूद है, और एक ही कैंटीन मौजूद है कोटद्दू जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, काफ़ी बड़ी कैंटीन है, ये आप देख सकते हैं।
इसके अलावा एक दूसरा कूलर भी लगा हुआ है पानी का। और यहाँ पे उससे भी ज़्यादा ठंडा पानी आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट दोस्तों कैपको की तरफ से है, जैसा कि आपको वो बेंच के नीचे नज़र आ रहा है लिखा हुआ। और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जितने भी ब्राउन बेंचेज हैं सब कैपको के अंडर हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये जो साइन बोर्ड है एक, वो भी बिल्कुल हरियाली में घिरा हुआ है। दोस्तों ये जो सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये कोट अद्दू का पुराना स्टेशन है। तो इसका प्लेटफॉर्म भी अभी तक थोड़े से मौजूद हैं इसके बाकियात। और ये दोस्तों पुराना स्टेशन हुआ करता था कोट अद्दू का, यानी कि 1887 से पहले, क्योंकि जो न्यू बिल्डिंग बनी है ये वाली, वो 1887 में बनी है, ये आप देख सकते हैं। दोस्तों अभी मैं आपको डाइवर्जेंस पे लेके जा रहा हूँ, जहाँ से जिसकी वजह से कोट अद्दू को कोट अद्दू जंक्शन कहा जाता है। तो दोस्तों ये वो पॉइंट है जहाँ से जंक्शन पॉइंट जिसे कहते हैं, मेरे जो लेफ्ट साइड पे आपको लाइन डाइवर्ट नज़र आ रही है, ये मेन लाइन 2 है बेसिकली। तो यहाँ से डाइवर्ट होके आगे शादन लुंड और डेरा गाजी खान रुझान से होती हुई सीधा लाइन जैकबाबाद निकलती है जाके, और उसके बाद आप वहाँ से क्वेटा और आगे फिर कोटरी जाती है ये। तो खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस थी वो इस लाइन पे चला करती थी, ये आप देख सकते हैं। सो दिस इज़ अ जंक्शन पॉइंट ऑफ कोट अद्दू जंक्शन रेलवे स्टेशन। ये दोस्तों आपको बोर्ड नज़र आ रहा है जो मेरे लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है दायरा दीन पना एहसानपुर ये डिवीजन है, और जो इधर लिखा हुआ है मुल्तान डीजी खान डिवीजन, ये आप देख सकते हैं। मेन लाइन 2 दरमियान में जो सिंबल नज़र आ रहा है आपको, ये देखें दोस्तों 72 किलोमीटर के मार्कर पर मौजूद है ये जंक्शन पॉइंट शेरशाह से। और यहाँ से जो ये वाली लाइन है ये चले गई सीधा कुंदियाँ बकर लिया, और जो ये वाली लाइन है ये डाइवर्ट होके सीधा डेरा गाजी खान और आगे जैकबाबाद और कोटरी के लिए चलेगी। तो उसामा भाई ये लाइन आपके घर जा रही है डीजी खान, चलते चलते चले जाएँ। तो डीजी खान जा रही है ये लाइन उसामा भाई के घर। तो उम्मीद करते हैं उसामा भाई कोई ट्रेन यार बहाल हो जाए डेरा गाजी खान के लिए भी। ट्रेन बहाल होगी तो आवाम के लिए आसानियाँ होंगी। अच्छा आप इतना बता दें कि कोई ट्रेन जहन में है जो डीजी खान जाती होती थी? भाई मैंने आज तक नहीं देखी कोई डीजी खान आते, पहले आती थी शायद, अब तो कोई भी नहीं आती कितने सालों से। अच्छा मैं खुशहाल खान खट्टक आती होती। तो ये दोस्तों जंक्शन पॉइंट कोट अद्दू जंक्शन का। तो दोस्तों ये उकाशा भाई ये भी कोट अद्दू से हैं, ये मेरे रूममेट भी हैं हॉस्टल में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू यार उकाशा टाइम देने के लिए। यार आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए इधर, आपने मतलब हमारा इलाका कवर किया। तो यार बड़ा मज़ा आया, अच्छा स्टेशन है कोट अद्दू जंक्शन। चलो अच्छा है, इंशाल्लाह दोबारा भी चक्कर लगाना कभी। हाँ इंशाल्लाह यार ज़रूर। तो चले चलते हैं दोस्तों। दोस्तों आज मैंने आपको कोट अद्दू जंक्शन रेलवे स्टेशन विज़िट कराया, थल एक्सप्रेस का एक्शन दिखाया, और आपको मैंने जितना हो सकता था कोट अद्दू के बारे में डिटेल दी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे प्रेस कर दें। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।